नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एनसीसी ज्वाइन करने के। आपने एनसीसी के बारे में सुना होगा, स्कूल और कॉलेजों में प्राइमरी एजुकेशन में सेकेंडरी एजुकेशन से स्टार्ट होता है और ग्रेजुएशन तक चलता है। आपको मौका मिलता है, आप भी एनसीसी का हिस्सा बन सकते हैं और अपने अंदर देश प्रेम की भावना जगा सकते हैं। और साथ साथ आपको इनिशियल ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि नेसेसरी ट्रेनिंग है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, और देश के लिए कभी नौबत पड़ जाए तो आप भी फ्रंट लाइन वॉरियर बन सकते हैं और देश की बॉर्डर को सिक्योर कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है, मैं आपको बताऊंगा कि एनसीसी क्यों जरूरी है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इनसे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। जो भी सर्टिफिकेट्स आप यहाँ से गेन करते हो, सर्टिफिकेट ए बी एन सी, उसको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं और क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं अगर आपने एनसीसी के सर्टिफिकेट ले लिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखें, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो भी दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा क्या होती है एनसीसी। एनसीसी को फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो कि यूथ विंग होता है इंडियन आर्मी फोर्सेस का, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, जो कि इंडिया का इंडिया में ही ये होती है, दिल्ली इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो मोटो है वो है एकता और अनुशासन, जिसे हम कहते हैं यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो ये आपको यूनिटी और डिसिप्लिन की भावना जगाती है। अगर आप हिस्सा बनते हो एनसीसी का तो आपके अंदर यूनिटी और डिसिप्लिन की भावना आएगी। तो इसके जो फाउंडर थे वो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो यूके के टाइम पे ही इसकी स्थापना हो चुकी थी और फाउंडिंग डेट थी वो 16 अप्रैल 1948। इमीडिएटली आफ्टर द इंडिया गॉट फ्रीडम एनसीसी का भी गठन हुआ एज पर द इंडियन आर्म फोर्सेस, उसी की यंग विंग है, इसे हम कहते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका जो डायरेक्ट जनरल हैं एट प्रेजेंट हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इसमें रोल जो होता है वो रोल है स्टूडेंट यूनिफॉर्म ग्रुप, और इसका जो इसको अगर हम बिजनेस कैटेगरी में डालें तो ये आती है डिफेंस कैटेगरी में। तो दोस्तों, ये बहुत पहले से स्थापित हुई है, जब हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस का गठन हो रहा था तभी से एनसीसी का भी उदय हुआ। तो इसके जो भी पार्ट होते हैं उनको एक डिसिप्लिन लाइफ में मिलता है, डिसिप्लिन के साथ साथ यूनिटी की भावना भी उनमें जागती है। तो आज हम देखेंगे इनका बेनिफिट क्या है, क्या क्या जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं आफ्टर गेनिंग द सर्टिफिकेट। तो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। तो इसके जो बेनिफिट हैं, अगर आपने एनसीसी के सर्टिफिकेट ले लिया, सी सर्टिफिकेट ले लिया, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप ग्रेजुएट हो विद मिनिमम 50% मार्क्स और आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है बी ग्रेडिंग के साथ में, तो आप एग्जेम्प्टेड हो जाओगे यूपीएससी का एग्जाम लिखने के लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए इन ओटीए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है जिसका एग्जाम यूपीएससी कराता है, उससे आप एग्जेम्प्टेड हो जाओगे अगर आप पे एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है विद बी ग्रेडिंग एंड ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स। देखो कितना अच्छा बेनिफिट है, अगर आपने सी सर्टिफिकेट होल्ड किया हुआ है विद बी ग्रेडिंग और 50% के साथ में आपका ग्रेजुएशन है, तो आपको ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी विदाउट एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी। वहीं गर्ल कैंडिडेट हैं, उनके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है और उनके पास अगर 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, तो वो इस वुमेन्स स्पेशल एंट्री स्कीम के थ्रू आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बन सकती हैं और इजीली उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके अलावा 5-10% बोनस मार्क्स भी दिया जाता है जब भी हमारा रिक्रूटमेंट रैली चलता है आर्मी नेवी एयरफोर्स का, जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनको एडिशनल 5-10% बोनस मार्क्स दिया जाता है रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज फिजिकल एग्जामिनेशन। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आफ्टर 10+2 इमीडिएटली रैली भर्ती में भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं पर 2-10% बोनस मार्क्स अवार्ड किया जाता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को जब हम पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी रिक्रूटमेंट होता है, उनमें भी जो बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ कोस्ट गार्ड और आईटीबीपी, इनकी जो वैकेंसी आती है रैली भर्ती होती है, उनमें भी 2-10% बोनस एडिशनल मार्क्स मिलते हैं जिनकी वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए स्टेट ने भी एक जनरल ऑर्डर इशू किया था और उन्होंने कहा था कि जितने भी जो वैकेंसी निकलेंगी स्टेट गवर्नमेंट की और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की, उनमें एनसीसी कैंडिडेट को ज़्यादा वरीयता दी जाए।
तो कई सारे स्टेट्स की जॉब में भी आपको वरीयता मिलेगी अगर आपके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। कुछ इंडस्ट्री हैं वो भी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर को ज़्यादा तवज्जो देती हैं अपनी वेरियस जॉब्स के लिए, तो आप इंडस्ट्री का भी हिस्सा बन सकते हो अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। वहीं पे ही बोनस मार्क भी अवार्ड किए जाते हैं जब हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो गवर्नमेंट की एक एंटरप्राइजेस है उसमें भी अगर वैकेंसी निकलती है तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपके पास में प्लस ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग डिग्री है तो आपको एडिशनल एडवांटेज रहेगा ओवर द नॉर्मल स्टूडेंट्स, कॉमन स्टूडेंट्स। तो देखिए कितना ज़्यादा फायदे हैं अगर आपने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्ड किया है विद बी ग्रेडिंग। तो जितने भी एस्पायरेंस जो नए हैं जिनने अभी तक एनसीसी नहीं लिया है उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, मेरी एडवाइस है कि आप इसका हिस्सा बनिए अपने लाइफ में। अगर आपने अगर सी सर्टिफिकेट भी नहीं गेन कर पाया एटलीस्ट अपनी लाइफ में यूनिटी और डिसिप्लिन लाओगे जो कि बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। तो इसके अलावा अगर हम देखें इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स भी कुछ गवर्नमेंट देती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें तो एम्प्लॉय फील्ड में ज़्यादातर प्रेफरेंस एनसीसी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट वालों को दिया जाता है पुलिस रिक्रूटमेंट में। और अगर एनसीसी टीआरजी वो भी एडिशनल क्वालिफिकेशन कंसिडर करता है इंटरव्यू फॉर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी अगर कोई अप्लाई कर रहा है उनको भी स्पेशल वरीयता दी जाती है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। वहीं एमबीबीएस बीडीएस करना चाहते हैं कोई तो उनको 25% का इंसेंटिव दिया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 जो सीट हैं वो रिजर्व होती हैं केवल और केवल एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में 1% अप्रोक्सीमेटली 700 से 800 सीट्स रिजर्व होती हैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। वहीं एमबीए और एमसीए करने वालों के लिए 300 से 400 सीट्स उस स्टेट में रिजर्व हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो 200 सीट्स भी रिजर्व हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। अगर बीएड और सीईटी में जाना है डीआईटी में तो उनके लिए भी 30 से 40 सीट रिजर्व होती हैं स्पेशली फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स। एलएलबी एलएम कोर्स में भी 15 से 20 सीटें हैं वो रिजर्व की जाती हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। देखिए एकेडमिक फील्ड में एज वेल एज एम्प्लॉय फील्ड में आपको स्पेशल वरीयता मिल रही है तो एनसीसी का इतना फायदा है अगर आप एनसीसी का हिस्सा बनते हैं। तो वैकेंसी रिजर्व फॉर कमीशन डिफेंस फोर्सेस फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, डिफेंस फोर्सेस में भी स्पेशल वरीयता दी जाती है। अगर हम आर्मी की बात करें तो उसमें 64 वैकेंसीज हैं वो रिजर्व होती हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पार्टिकुलरली फॉर एनसीसी होल्डर के लिए, और 100 वैकेंसी रिजर्व होती हैं ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी होती है चेन्नई में फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर नॉन टेक्निकल के लिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए। और जिनके पास ही सर्टिफिकेट है उनके लिए कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं होता, एग्जेम्प्टेड होते हैं। ओनली एसएसबी होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सामने आपको अपियर होना पड़ेगा। आप वहां से अगर कमीशन होते हैं तो यू कैन वर्क एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। वहीं नेवी में 6 वैकेंसी पर कोर्स, कोई भी एक कोर्स है जो मैं एक स्कीम बताया था पिछले वीडियो में उसमें हर स्कीम में आपको 6 वैकेंसी रिजर्व रहेगा एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए। इसके लिए भी स्पेशल वरीयता है, नो यूपीएससी एग्जामिनेशन ओनली एसएसबी। इंडियन एयरफोर्स में 10% ऑफ द वैकेंसी रिजर्व फॉर ऑल कोर्सेस इंक्लूडिंग फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेस एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए। इसमें भी नो यूपीएससी एग्जामिनेशन ओनली एसएसबी के लिए आपको अपियर होना पड़ेगा। तो देखिए इंडियन आर्मड फोर्सेस का भी आप हिस्सा बन सकते हैं अगर आपके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। वहीं पे अगर स्कॉलरशिप की बात करें फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए तो बहुत सारी स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं। जैसे हम बात करें सीडब्ल्यूसी बेस्ट कैडेट अवार्ड, वो एक्चुअली एसटी एसडब्ल्यू क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 और 10+2 और सेकेंड ईयर फ्रॉम ग्रेजुएशन में दिया जाता है। उसके लिए क्वालिफिकेशन ये है, परसेंटेज ऑफ मार्क साइंस में 65%, कॉमर्स में 60 और आर्ट्स में 55, वो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट है 65% होना चाहिए। तो और अटेंडेंस 80% होनी चाहिए इन लास्ट 2 इयर्स, उनको जो स्कॉलरशिप है वो 3,500 दी जाती है। वहीं सेकंड जो है सीडब्ल्यूएस सेकंड बेस्ट कैडेट अवार्ड है, उसके लिए भी ओवरऑल एग्रीगेट 65% है और इसके लिए भी जो अमाउंट है वो 2,500 है स्कॉलरशिप पर मंथ का। वहीं सहारा स्कॉलरशिप है वो भी एसडी एसडब्ल्यू क्लास 12 के बच्चों के लिए हो है, उनके लिए ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए 65%, 80% अटेंडेंस होनी चाहिए लास्ट 2 इयर्स और उनके लिए जो स्कॉलरशिप है वो 15,000 है। वहीं सारा स्कॉलरशिप एक और है वो हमारी 10+2 के लिए, ये भी है, इसमें 80% इन एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए एडमिशन इन एनी प्रोफेशनल कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ यूजीसी मेडिकल इंजीनियरिंग एमबीए होटल मैनेजमेंट। अगर इसमें का आप हिस्सा हो आफ्टर 10+2
जहाँ पे आपने मेंटेन किया 80% अटेंडेंस, तो आपको 40,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। वहीं CWS मेरिटोरियस स्कॉलरशिप है, वो SD SW क्लास 12 के लिए है और सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन वाले भी इसके अप्लीकेबल हैं। इनमें साइंस में 70%, कॉमर्स में 65%, आर्ट में 60%, ओवरऑल 70% मार्क्स होने चाहिए और 80% अटेंडेंस कंपलसरी है। इसमें 6,000 पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है। वहीं CMS स्कॉलरशिप है, वो स्टेट के CMS देते हैं, वो भी 10+2 और सेकेंड ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन के लिए है। इसके लिए ओवरऑल एग्रीगेट 65% मार्क्स होने चाहिए, 80% अटेंडेंस। इसमें 1200 फॉर वन ईयर एंड रेट 600 फॉर नेक्स्ट ईयर, तो 1200 पर मंथ मिलेगा एक साल तक, फिर उसके बाद 600 हो जाएगा। तो ये डिफरेंट जो आपकी स्कॉलरशिप्स हैं वो NCERT सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए हैं, इनसे वो बेनिफिट उठा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर B&C सर्टिफिकेट, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तब ये सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। अगर आप बी सर्टिफिकेट लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू कैन अप्लाई आफ्टर वन ईयर ऑफ ट्रेनिंग, एक साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद बी सर्टिफिकेट लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 75% अटेंडेंस कंपलसरी है और कैंप, एनी वन कैंप और एक्टिविटी मेंशन्ड इन SNCCO इंक्लूडिंग हल्ट विद IMA, OTS, AF, नेवल अकेडमीज, SSB ट्रेनिंग कैप्सूल, माउंटेनिंग एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर, एक्सपेडिशन शूटिंग कैंप वो 10 डेज ड्यूरेशन, पार्ट ऑफ द RD कंटिजेंट, ये सारे आते हैं। ये एटलीस्ट वन कैंप आपका होना चाहिए तब आप बी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सी सर्टिफिकेट के लिए आप 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में सी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी मिनिमम 75% अटेंडेंस है, 1 एडिशनल कैंप करना पड़ेगा आफ्टर बी सर्टिफिकेट। तो बी सर्टिफिकेट लेने के बाद एक और कैंप में आपको जाना पड़ेगा जो कि ATC और CATC कंपलसरी है। तो कैन अपियर इन क्लास 12th और फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ डिग्री कोर्सेज, तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, 10+2 में भी अप्लाई कर सकते हो और फर्स्ट और सेकेंड ईयर और डिग्री कोर्स में आप सी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया जो मैंने मेंशन किया वो आप अगर फुलफिल करते हैं तो इन सर्टिफिकेट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप करियर की बात करें आर्मी फोर्सेस में, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसा कि मैं पहले भी मेंशन किया था कई सारी सीट रिजर्व्स होती हैं, तो मैं वन बाई वन फिर से आपको दोहराना चाहूँगा। जैसे टेक्निकल जो एंट्री है इंजीनियर्स के लिए, उसमें भी वैकेंसी पर कोर्स जो है वो नोटिफाई की जाएगी ट्वाइस इन ईयर, और जो न्यूज़ आएगी वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ सकती है या फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग और इजी ब्रांच दी गई इसकी नोटिफिकेशन अप्रैल और अक्टूबर में। जो एज है इसके लिए 20-27 ईयर्स, बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी टू 1 जनवरी ऑफ एनी कोर्स और 2 जुलाई टू 1 जुलाई ऑफ जुलाई कोर्स। क्वालिफिकेशन है BE/BTech इन नोटिफाइड स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर स्टेटस अनमैरिड और मैरिड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड बाय अप्रैल और मई और अक्टूबर नवंबर। जो SSB होगा वो मार्च अप्रैल या सितंबर या अक्टूबर में होगा, और जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी वो जनवरी के लिए हो जाएगी, जो जनवरी का जो बैच चल रहा है और जुलाई में तो ट्रेनिंग होगी इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो ये डायरेक्ट SSB एंट्री है, डायरेक्ट आप SSB में अपियर होंगे अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। वहीं पर टेक्निकल एंट्री जो AEC है, अरमानेंट इंजीनियरिंग कोर्स है, स्कीम है, उसमें आप जा सकते हैं। इसका भी नोटिफिकेशन निकलता है दो बार में, एक साल के अंदर, और अगर न्यूज़पेपर में निकलेगा जो कि दिया जाएगा एडिशनल डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट और AEC ब्रांच इन अप्रैल और अक्टूबर। इस क्राइटेरिया है 23-27 ईयर्स, राइट। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो MA MSc होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीजन इन नोटिफाइड सब्जेक्ट, और अनमैरिड एस्पायरेंट्स कैन ओनली अप्लाई। एप्लीकेशन जो रिसीव किया जाएगा वो अप्रैल और मई में या अक्टूबर नवंबर में, जिसके लिए SSB होगा मार्च और अप्रैल या सितंबर अक्टूबर में, और जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी वो जनवरी और जुलाई से होगी, और ट्रेनिंग जहाँ होगी वो है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है 1 साल। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल एंट्री के लिए, तो इसमें जो वैकेंसी है वो 50 है टोटल ट्वाइस इन ईयर। एज क्राइटेरिया है 20-27 ईयर्स, राइट। क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग डिग्री इन एनी ऑफ द नोटिफाइड डिसिप्लिन, मार्शल स्टेटस अनमैरिड और मैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड बाय अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर, इसका SSB होगा दिसंबर जनवरी और जून जुलाई में, और जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी वो अप्रैल और अक्टूबर में होगी, और ये ट्रेनिंग जो होगी वो ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में होगी। 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन की, तो ये भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है NCERT सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। वहीं 10+2 टेक्निकल एंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका बी सर्टिफिकेट है उसके थ्रू आप जा सकते हैं 10+2 टेक्निकल एंट्री के लिए।
उसमें 85 वैकेंसीज रिजर्व रहती हैं पार्टिकुलरली फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। 16.5 से 19 साल ये क्राइटेरिया है और क्वालिफिकेशन 10+2 है केमिस्ट्री मैथ्स के साथ, 70% मार्क्स एंड अबव, मास्टर स्टेटस अनमैरिड। अप्लीकेशन जो रिसीव होगा जून और जुलाई और एसएसबी जो होगा अगस्त और अक्टूबर या फरवरी टू अप्रैल, और जो डेट ऑफ ट्रेनिंग है वो जनवरी और जुलाई से स्टार्ट होती है। इसकी जो ट्रेनिंग होगी आईएमए देहरादून में होगी। ट्रेनिंग जो ड्यूरेशन है टोटल 5 ईयर्स का होता है, उसमें 4 साल का आपको स्पेशलाइज्ड कोर्स किया कराया जाएगा और 1 साल का आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। टोटल 5 साल का कोर्स होता है और इसके बाद आप परमानेंट कमीशन लेंगे आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ कम्प्लीशन ऑफ योर कोर्स। वहीं एनसीसी की स्पेशल एंट्री है मैन के लिए, वो 50 वैकेंसी रहती हैं और 2x a year इसका आता है नोटिफिकेशन। उसके लिए भी एज क्राइटेरिया 19 to 25 है, ग्रेजुएट होना चाहिए LLB LLM 50% और सेकेंड ईयर 2 ईयर सर्विस इन एनसीसी सीनियर डिवीजन आर्मी विद मिनिमम बी ग्रेड और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो इसके भी जो नोटिफिकेशन है वो आपको अप्रैल और अक्टूबर में आएंगे, जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग OTA चेन्नई में होती है, 49 वीक्स की ट्रेनिंग है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री फॉर वुमेन ये भी है, ये भी नोटिफाई की जाएगी। इसका भी जो नोटिफिकेशन आता है 2x a year आता है। इसके लिए इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए किसी भी नोटिफाइड डिसिप्लिन में। अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई, और इसके लिए जो अप्लीकेशन है वो फरवरी मार्च और जुलाई अगस्त में भरे जा सकते हैं। इसका जो SSB डेट है वो SSB नवंबर टू जनवरी फॉर अप्रैल कोर्स और मई टू जुलाई फॉर अक्टूबर कोर्स होगा, और इसकी जो ट्रेनिंग है वो OTA चेन्नई में की जाएगी। टोटल 49 वीक्स का ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है, आप एज एन इंजीनियर इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी की स्पेशल एंट्री है वुमेन के लिए दूसरी, वो भी अपनी LLB और LLM कैंडिडेट के लिए है। तो LLB LLM की डिग्री आप लिए हो 19 से लेकर 25 साल के बीच में आपकी अगर एज आ रही है तो आप NCC सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो इस स्पेशल एंट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका फॉर्म जो है अक्टूबर नवंबर और अप्रैल मई में भरा जाएगा थ्रू NCC पोर्टल के द्वारा, और जो इसका SSB होगा नवंबर जनवरी अप्रैल कोर्स के लिए और मई टू जुलाई अक्टूबर कोर्स के लिए, और इसके जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी अप्रैल और अक्टूबर में OTA चेन्नई में। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम भी है जिसमें 60 वैकेंसी रहती है, टोटल 60 वैकेंसीज एंड दो आर इंटायरली यू नो रिजर्व फॉर NCC सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट। उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 19 to 25 ईयर्स फॉर फाइनल ईयर और 18 to 24 ईयर्स फॉर प्री फाइनल ईयर्स। तो इसका जो एज क्राइटेरिया है बहुत कम है, 18 से 24 या फिर 19 से 25 में होना चाहिए। फाइनल और प्री फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मार्शल स्टेटस अनमैरिड, जो एप्लीकेशन वो रिसीव होगी 31 जुलाई तक, और जो SSB होगा वो जनवरी मार्च में होगा, फाइनल ईयर अगस्त टू अक्टूबर फॉर प्री फाइनल ईयर। डेट ऑफ कमिशमेंट ट्रेनिंग जुलाई से होगी, वो भी होगी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, 1 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप एज ए टेक्निकल ऑफिसर इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं नेवी में भी ऐसे ही स्कीम है, नेवी में भी आप जाओगे तो डिफरेंट स्कीम्स हैं इसमें। ग्रेजुएट एंट्री है नेवल अकेडमी गोवा थ्रू UPSC या NCC स्पेशल एंट्री है मेंस के लिए। डायरेक्ट एंट्री है नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन में जा सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो एग्जीक्यूटिव हाइड्रोग्राफी और शॉर्ट सर्विस कमीशन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और शॉर्ट सर्विस कमीशन लॉजिस्टिक कैडर, उनके लिए डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लाइक लॉजिस्टिक में इकोनॉमिक BCom मैथ्स और CA वगैरह किए हैं, और BE BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल मैरिन इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर विद 60% मार्क्स। एज क्राइटेरिया 19.5 से 25 है सिमिलरली, और सारी जो वैकेंसी आपको यहाँ दिख रही है उसमें ज़्यादातर एज क्राइटेरिया 19 to 24 है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो और आप इंडियन नेवी का हिस्सा बन सकते हो। वहीं एजुकेशन ब्रांच में अगर जाना है तो आपके पास PG डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स, फिजिक्स विद मैथ इन BSc और मैथ विद फिजिक्स इन BSc। तो ये जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और या BTech BE BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और MTech वाले विद MTech डिग्री। तो ये हमारा 21 से 25 साल इसका एज क्राइटेरिया होता है, मेंस के परमानेंट कमीशन के लिए रखा जाता है, वुमेन्स और मेंस जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 21 to 25। इंजीनियरिंग ब्रांच मरीन इंजीनियर्स अगर आपको बनना है तो उसमें भी BTech वाले पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ब्रांच लाइक मैकेनिकल एरोनॉटिकल कंट्रोल मेटलर्जी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स अप टू 6th सेमेस्टर कैन अप्लाई।
फॉर यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम शॉर्ट सर्विस कमीशन 1924 या शॉर्ट सर्विस कमीशन जो अगला है उसमें डिग्री इन मैरिन एरोनॉटिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और एनी अदर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाई इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया विद 55% मार्क्स। एक और एंट्री है शॉर्ट सर्विस कमीशन सब मैरिन के लिए, उसमें डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एनी अदर अलाइड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बाई दी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया और इक्विवेलेंट डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम जो कट ऑफ है वो 55% मार्क्स है। तो ये है डिफरेंट स्कीम्स जिनके थ्रू एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बन सकते हो आप मरीन इंजीनियरिंग इंडियन नेवी में। नेवल आर्किटेक्ट में भी जा सकते हो, उसके लिए डिग्री है नेवल आर्किटेक्ट में होना चाहिए, मैकेनिकल में, एरोनॉटिकल में, मेट्रोलॉजी में, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये भी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है मैन एंड वुमेन के लिए, 21 to 25 एज है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जा सकते हो, उसके लिए डिग्री नेवल आर्किटेक्ट, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, मेट्रोलॉजी विद 60% मार्क्स, 21 to 25 एज है और ये मैन ऑफ वुमेन दोनों के लिए खुला है, शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है, ये डायरेक्ट एंट्री होती है सब मैरिन कैडर में और जनरल सर्विसेज ये भी एग्जिस्ट करती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए भी सेम है जैसे कि डायरेक्ट एंट्री के लिए यहाँ पर जो मेंशन किया गया है। करियर इन एयरफोर्स, एयरफोर्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हो कंबाइंड डिफेंस CDSC के द्वारा, NCC स्पेशल एंट्री, फ्लाइंग पायलट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, स्पेशल आपको प्रिविलेज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, मैं डिटेल में इसको नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट एंट्री स्कीम भी है जो यूनिवर्सिटी के थ्रू आप जा सकते हो, 4 ईयर्स की डिग्री प्रोग्राम एरोनॉटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। अगर आपने एरोनॉटिकल में डिग्री की है तो आप एरोनॉटिकल ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो जो कि डायरेक्ट एंट्री स्कीम है यूनिवर्सिटी के द्वारा, मेंस और वुमेंस दोनों अप्लीकेबल हैं 18 to 28 ईयर्स। मेट्रोलॉजिकल ब्रांच के लिए 20 to 25 ईयर्स एज है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विद मैथ स्टैटिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन एनवायरमेंट अप्लाइड फिजिक्स ओशनोग्राफी मेट्रोलॉजी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इकोलॉजी एनवायरमेंट जियो साइंस एनवायरमेंट बायोलॉजी विद 55% मार्क्स, 55% मार्क्स होने चाहिए और एज ए प्रोजेक्ट एज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सो ये तो थी जो डिफरेंट काइंड ऑफ वैकेंसीज आर अवेलेबल स्पेशली रिजर्व फॉर NCC सी और बी सर्टिफिकेट होल्डर्स। तो आपको पता चल गया होगा कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, आप उनको गैदर कर सकते हैं अगर आपके पास में NCC सी और बी सर्टिफिकेट है। तो जितने भी लोगों ने अभी तक NCC सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कीजिए, इनको गेन कीजिए, बहुत सारे जॉब ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं। तो NCC का पार्ट होना अपने आप में गर्व की बात है, आपको यूनिटी एंड डिसिप्लिन भी सिखाएगा, साथ साथ आपका जॉब जो डिजायर्ड जॉब जो ड्रीम जॉब है उसको भी अचीव करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों आई होप दिस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए एड्रेस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।